नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके ब्रंच चैनल टुडे स्पॉट टिप्स पे। दोस्तों से बात करने जा रहे हैं, बिना मिट्टी के मशरूम की खेती कर कैसे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, कैसे ये होगा आगे। उन्हें प्लस दोस्तों बता दूं, बिसाइड टेक्नोलॉजी बिजनेस मेकिंग एल्टी जहाँ जाते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम इस आइडिया की नहीं बल्कि एक रियलिटी की बात करें, कैसे बिजनेस किया जाता है, कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज किसानों की दशा किसी से छिपी नहीं है, लेकिन कुछ हद तक इसके पीछे किसान खुद जिम्मेदार होता है। वो अपनी पारंपरिक खेती को छोड़कर नया कुछ करने की सोचता भी नहीं है। अगर किसान पढ़ा लिखा जागरूक हो तो घाटे का सौदा बनती जा रही खेती में आसानी से सुधार लाया जा सकता है। इसके लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं है, बस ज़रा सी समझदारी से किसान अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी खेती बाड़ी के जरिए अच्छी इनकम करना चाहते हैं तो बटन मशरूम की खेती एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये मशरूम की एक किस्म होती है जिसमें मिनरल्स और विटामिन खूब होते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसे आप झोपड़ी में भी एक फ़ायदेमंद खेती कर सकते हैं। मशरूम लगातार पॉपुलर होता जा रहा है। इसका रेट 300 से 350 रुपये प्रति किलो है। थोक का रेट इसमें 40% तक कम होता है। बहुत किसानों ने अपनी पारंपरिक खेती छोड़कर मशरूम उगाना शुरू कर दिया है और बहुत अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। दोस्तों एक किसान ने बताया कि वो 4 से लेकर 5 क्विंटल कंपोस्ट बनाकर उस पर बटन मशरूम की खेती करते हैं। इतनी कंपोस्ट पर करीब 2000 किलो मशरूम पैदा हो जाता है। 1 क्विंटल कंपोस्ट में 1.5 किलो बीज लगते हैं और इसकी बाज़ार में कीमत 200 से 250 रुपये तक होती है। मशरूम का थोक भाव 150 से 200 रुपये किलो है। अब 2000 किलो मशरूम अगर 150 रुपये 1 किलो के हिसाब से बिकता है तो करीब 3 लाख रुपये मिलते हैं। इसमें से 50,000 रुपये लागत के तौर पर निकाल दें तो 2,50,000 रुपये की बचत होती है। हालांकि इसकी लागत 50,000 से कम ही आती है। प्रति वर्ग मीटर 10 किलोग्राम मशरूम आराम से पैदा हो जाता है। तो इस बाकी सब तरह की खेती से मशरूम की खेती में बचत कई गुना अधिक होती है। मशरूम अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती है और पूरी सर्दी इसका उत्पादन होता रहता है। दोस्तों इसको आप छोटी सी जगह में भी कर सकते हैं। इसमें 3-3 फीट की छोटी रैक्स बनाकर मशरूम उगाते हैं। मशरूम उगाने के लिए आपको कंपोस्ट तैयार करना होता है। आप इसके लिए धान की पुआल का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले धान की पुआल को भिगो दें और एक दिन बाद इसके DDP, यूरिया, पोटास व गेहूं का चोकर, जिप्सम, कैल्शियम और कार्बो फ्लोराइड मिलाकर एक सड़ने के लिए छोड़ दें। उसे करीब 30 दिन के लिए छोड़ दें। हर 4-5 दिन में इसे पलटते रहें और आधा महीना हो जाने पर इसमें नीम की खली और गुड़ का पाक या शीरा मिला दें। 30 दिन बीत जाने के बाद एक बार फिर से वावस्टिक और फार्मोलिन छिड़कने के बाद इसे फिर तिरपाल से 6 घंटों तक ढक दें। अब आपका कंपोस्ट तैयार हो जाता है। मशरूम उगाने के लिए पहले मिट्टी और गोबर की 1.5 इंच मोटी परत बिछाई जाती है। इसके ऊपर कंपोस्ट की 2 से 3 इंच मोटी परत चढ़ाएं। मशरूम के बीज को स्पान कहते हैं। बीज की गुणवत्ता का उत्पादन पर बहुत असर होता है, इसलिए बीज अच्छी और भरोसेमंद जगह से ही लेना चाहिए। बीज 1 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बीज की मात्रा कंपोस्ट खाद के वजन के 2 से लेकर 2.5% के बराबर ले। बीज को पेटी में भरी कंपोस्ट पर बिखेर दें और उस पर 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी कंपोस्ट की एक परत और चढ़ा दें। नमी का स्तर बना रहना चाहिए और स्प्रे से मशरूम पर दिन में 2 से 3 बार छिड़काव होना चाहिए। ध्यान रहे जिस जगह मशरूम है वहाँ तापमान 20 डिग्री बना रहे। सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कृषि अनुसंधान केंद्र में मशरूम की खेती की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप इसी बड़े पैमाने पर खेती करने की सोच रहे हैं तो बेहतर होगा एक बार इसकी सही ढंग से ट्रेनिंग जरूर लें। बटन मशरूम की खेती में कंपोस्ट खाद बहुत महत्वपूर्ण होती है। मशरूम का उत्पादन पूरी तरह कंपोस्ट खाद तथा अच्छे बीज पर निर्भर करता है, इसलिए कंपोस्ट पर ध्यान से तैयार करें वरना नुकसान हो सकता है। इसलिए पहली बार खाद बनाते समय किसी एक्सपर्ट या पहले से खेती कर रहे किसान की राय जरूर लें। बाकी सब जानते हैं दोस्तों क्या क्या करना होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को पसंद आएगी, लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जिन्होंने पहले से चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।